हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ नेहा वर्मा. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. आज आपको इंग्लिश ग्रामर में ये नंबर्स लिखने हैं, मतलब सिंगुलर और प्लूरल करना है. तो यहाँ पे मैंने ये टिक लगा दिया, तो यही आपको सिंगुलर और प्लूरल अपनी नोटबुक में करने हैं. तो ये बॉल, बर्ड, बुक, बॉय, काउ, आई, हॉर्स, हाउस, काइट, लैम्प, पेन, टेबल, ट्री, वीक, विंडो, ईयर, ये सारे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इसको आपको लर्न भी करना है. तो आपको बस इंग्लिश में इतना ही वर्क करना है. हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी. हिंदी में आज हम करेंगे पार्ट 4 संज्ञा के प्रश्न उत्तर. कल मैंने आपको चैप्टर की रीडिंग कराई थी, तो देखते हैं अपना हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. तो पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. देन सेकेंड क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं, उनके नाम भी लिखिए. तो संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. देन थर्ड है हमारा, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखो. तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ताजमहल, गीता, सुभाष चंद्र बोस, हिमालय, भारत. और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठंडा, गर्म, मीठा, कड़वा, बचपन. तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको अपनी नोटबुक में करने हैं उसको, और लर्न भी करना है. तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. देन हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर. कंप्यूटर में हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो वही आज हम कंप्लीट करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो इसका आंसर है, द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टेक फिजिकल इन्फॉर्मेशन इनपुट एंड प्रोसेस देम टू गिव डिजायर्ड आउटपुट. दिस प्रोसेस इज डन बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी. ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर. तो डिजिटल कंप्यूटर होता है, इट कन्वर्ट्स डाटा इनटू डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स 0 and 1. और एनालॉग कंप्यूटर होता है, इन इट कंटिन्यूस क्वांटिटीज आर यूज्ड, कंप्यूटेशन आर कैरिड आउट विद द फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज, लेंथ, करंट एक्सेट्रा. तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं. अगर आपने पिछले क्वेश्चंस भी नहीं किए तो आप वो भी कंप्लीट कर लेना और ये भी कंप्लीट कर लेना और इसको लर्न भी कर लेना. ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा जीके. जीके में आज हम करेंगे चैप्टर 11 प्लांट क्विज. इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है. पहला है, कैक्टाई आर यूजुअली फाउंड इन. तो इसका आंसर है, डेजर्ट. डेजर्ट में कैक्टाई यूजुअली पाई जाती हैं. सेकंड है, मोस्ट फ्रूट ग्रो ऑन ब्रांचेस, जैक फ्रूट ग्रो ऑन स्टेम. इसका आंसर है स्टेम. थर्ड है, डैश इज द स्टडी ऑफ ऑल प्लांट लाइफ. तो इसका आंसर है बॉटनी. फोर्थ है, कॉनिफर्स आर ट्री डैट हैव. तो इसका आंसर है कॉन्स. कॉनिफर में कॉन्स होते हैं. नेक्स्ट है, फंजाई हैव नो डैश. इसका आंसर है क्लोरोफिल. उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. देन सिक्स्थ है, देयर आर मोर देन 900 मेंबर्स ऑफ द फिग ग्रुप. वन ऑफ देम डैश ट्री इज सैक्रेड इन इंडिया. तो इसका आंसर है पीपल. देन सेवन्थ है, शुगर फ्रॉम शुगर केन कम्स फ्रॉम द जूस इन देयर स्टेम्स. तो इसका आंसर क्या है, स्टेम्स. देन एट्थ है, बीज गैदर अ स्वीट जूस कॉल्ड नेक्टर. डैश में नेक्टर आएगा, फ्रॉम फ्लावर्स एंड टर्न इन टू हनी. वो क्या करती हैं, बीज जो है स्वीट जूस जो फ्लावर से नेक्टर जो है कलेक्ट करती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट करती हैं. देन नाइन्थ है हमारा, डैश आर मेड फ्रॉम द फ्रूट्स एंड पोर्ट्स ऑफ अ ककाओ ट्री. तो इसका आंसर है चॉकलेट्स. देन थर्ड है हमारा, टेंथ है हमारा, डैश इज अ जैपनीज आर्ट ऑफ ग्रोइंग डाफ ट्रीज एंड शर्ब्स इन पॉट्स. तो इसका आंसर है बॉन्साई. ये जैपनीज आर्ट होती है प्लांट्स को उगाने की. देन इलेवेंथ है, द कोआला बियर्स ईट द लीव्स ऑफ डैश ट्री. तो इसका आंसर है यूकेलिप्टस. कोआला बियर्स जो है यूकेलिप्टस ट्री की लीव्स खाते हैं. देन ट्वेल्थ है हमारा, द हार्ट शेप ब्रेड फ्रूट ऑफ डैश आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसका आंसर है स्ट्रॉबेरी. तो आपको ये चैप्टर जो है अपनी बुक में ही करना है और उसको लर्न करना है. ओके, तो आज के लिए बस इतने. बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.